हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं पिछले 6 महीने यानी जुलाई से लेकर दिसंबर 2019 तक के टॉप 350 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो भी क्वेश्चंस को पिक किया वो काफ़ी बारीकी से और काफ़ी समझदारी से इसको पिक किया क्योंकि हर एग्जाम्स में मुझे पता है किस टाइप के लेवल क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में जो भी मैं करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस करूंगा वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि हर एग्जाम्स के लिए ये आपके लिए यूजफुल करेगा। और हाँ फ्रेंड्स, इसका PDF जो का मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से ईजिली इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट इन सारे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स कि छाबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन की 5वीं एवं 6वीं इकाई का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। ऑप्शन बी राजस्थान। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा खाली स्थान तक पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए 2020, जून 2020 तक ये घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में MI-35 अटैक हेलीकॉप्टर को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की घोषणा की है। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे स्वदेशाभिमानी केसरी मीडिया अवार्ड से नवाजा गया। तो इसका राइट आंसर होगा TJS जॉर्ज, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में 312 पंचायतों को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन खुमार नामक अभियान शुरू किया गया। ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया ऑपरेशन खुमार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्ण स्वामी नटराजन ने हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के खाली स्थानवे प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है। ऑप्शन डी 23वें प्रमुख बने हैं कृष्ण स्वामी नटराजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूके इंडिया अवार्ड्स 2019 के तहत ग्लोबल आइकन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कुणाल नायर। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। ऑप्शन सी अमेरिका, अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को हिंदी सहित कुल कितने क्षेत्रीय भाषाओं में वेबसाइट पर उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। ऑप्शन सी 6 भाषाओं में, हिंदी के साथ 6 भाषाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने योयोमेन तितली की प्रजाति को राज्य तितली घोषित किया है। ऑप्शन सी तमिलनाडु। नेक्स्ट है, गरुड़ युद्ध अभ्यास जिसका आयोजन भारत और किस देश के बीच प्रारंभ हुआ है। गरुड़ युद्ध अभ्यास जो होता है ये भारत और फ्रांस के बीच होता है, गरुड़ शक्ति जो होता है वो इंडोनेशिया के बीच होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने राज्य भर के लोगों के लिए एक टोल फ्री मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 शुरू किया है। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में आधिकारिक प्रवेश मिला है। ऑप्शन ए जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर को शामिल किया गया है विश्व विरासत स्थल में। हाल ही में किस राज्य ने राज्य में 316 पर्यटक स्थल विकसित करने हेतु कदम उठाया। ऑप्शन नंबर बी असम, ठीक है, असम ने राज्य के 316 पर्यटक स्थल को विकसित करने हेतु नया कदम उठाया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खालिस्तान में स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। ऑप्शन डी वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कोपा अमेरिका फाइनल 2019 जीता है। कोपा अमेरिका फाइनल 2019 का विजेता रहा ब्राज़ील, किसे हराकर, पेरू को हराकर के जीता है। आयोजन कहाँ हुआ था, ब्राज़ील में ही आयोजन हुआ था और इस बार 9वीं बार ये विजेता रहा ब्राज़ील। किस राज्य में BSF ने घुसपैठ रोधी ग्रिड को मजबूत करने हेतु सुदर्शन ऑपरेशन शुरू किया है। सुदर्शन ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर और पंजाब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र किस राज्य में बनेगा। हाथी पुनर्वास केंद्र बनाया जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल में, ठीक है। हाथी अस्पताल आगरा में बनेगा और पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र बिहार के भागलपुर में बनाए जाने की घोषणा जनवरी 2020 में की गई है। ये मैंने आपको वीकली करंट अफेयर्स में कराया। नेक्स्ट है, किसे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन 2018-19 अवार्ड्स में
AIFF का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया? ऑप्शन नंबर ए सुनील छेत्री को। ठीक है, सुनील छेत्री को हाल ही में पूमा का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया, 3 साल के लिए इस चीज़ को याद रखेंगे। हाल ही में किसने विवेका दीपनी नामक पुस्तक का विमोचन किया है? विवेक दीपनी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस देश को खसरा मुक्त घोषित किया है? ऑप्शन ए श्रीलंका। श्रीलंका को हाल ही में खसरा मुक्त घोषित किया गया WHO के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिछले 5 साल में आत्महत्या कर चुके किसानों के परिवारों को 7-7 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे परिसर में PDW यानी कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के खतरे को रोकने के लिए किस नाम से एक देशव्यापी अभियान शुरू किया गया? ऑपरेशन थ्रस्ट। ऑपरेशन थ्रस्ट स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अगस्त 2019 में भारत के सबसे बड़े महिला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ऑप्शन डी केरल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी द्वारा अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी रेड हैट का अधिग्रहण किया गया? रेड हैट का अधिग्रहण किया गया IBM इंडिया इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में इजरायली टैंक रोधी स्पाइक मिसाइलों को खरीदने हेतु एक सौदा किया है? तो भारत ने इजरायली टैंक मिसाइल जो है स्पाइक मिसाइल को खरीदने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक इनकलाब के संपादक शकील हसन शमसी को किस भाषा में उत्कृष्ट पत्रकारिता से सम्मानित करने का फैसला किया गया? ऑप्शन सी उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेसन लाइफ टॉट मी अनोयली के लेखक कौन है? लेसन लाइफ टॉट मी अनोयली के लेखक है अनुपम खेर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अभियान जिसे नीति आयोग द्वारा भारत को वर्ष 2022 से 23 तक $4 trillion की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए इंडिया @75 रणनीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जिसने हाल ही में भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया के नाम पर सोलर अवार्ड देने की घोषणा की है? ऑप्शन सी कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के अनुसार किस ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह पर ड्रैगनफ्लाई नामक एक ड्रोन भेजा जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सनी। सनी का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन पे भेजा जा रहा है ड्रैगनफ्लाई नामक एक ड्रोन जो कि नासा ने भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI ने किस पूर्व भारतीय कप्तान को बेंगलोर स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी का क्रिकेट प्रमुख नियुक्त किया है? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा राहुल द्रविड़। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा राजघाट थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? राजघाट थर्मल पावर प्लांट स्थित है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने किस बैंक और मास्टर कार्ड के साथ मिलकर अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 12 जुलाई को जल बचाओ दिवस मनाया है? 12 जुलाई को जल बचाओ दिवस मनाया पश्चिम बंगाल की सरकार ने। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 12 जुलाई को मलाला यूसुफ जाई दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन ओपन 2019 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? फ्रेंड्स, मैंने ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थी सारे ट्रिक के माध्यम से आपको कवर करा दी थी। अगर आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो ग्रैंड स्लैम वाली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने महिला और पुरुष दोनों को अलग अलग ट्रिक से याद कराया था। तो फिलहाल बात करते हैं इसके राइट आंसर का। तो विंबलडन ओपन 2019 में महिला एकल का खिताब जीता है सिमोना हैलेप। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा नामक पोर्टल हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा स्टार्ट किया गया हरियाणा के सरकार के द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर अंशुला कांत को वर्ल्ड बैंक का MD और CFO नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन टेनिस 2019 में महिला एकल का खिताब विजेता सिमोना हैलेप का संबंध किस देश से है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रोमानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के संरक्षण के लिए जल नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान बैरी किस देश में आया था? बैरी नामक उष्णकटिबंधीय तूफान आया था ऑप्शन डी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन 2019 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो विंबलडन 2019 में पुरुष एकल का खिताब जीता है
ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में 13वें संस्करण की मेजबानी करेगा, ऑप्शन ए भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान और किस देश के मध्य व्यापार को सहज बनाने के उद्देश्य से भारत ने ब्रह्मपुत्र नदी में आवागमन के लिए एक जलमार्ग खोला है, ऑप्शन सी बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 8वीं से 12वीं कक्षा तक वैकल्पिक विषय के तौर पर मैथिली को शामिल किए जाने की घोषणा की है, ऑप्शन ए दिल्ली सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में नामित किया गया, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में नामित किया गया केन विलियमसन, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत और खालिस्तान देश के बीच निवेश बढ़ाने के लिए फास्ट ट्रैक प्रणाली स्थापित की गई है, तो फास्ट ट्रैक प्रणाली स्थापित की गई है भारत और इटली के बीच, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने किस शिक्षण संस्थान के साथ मिलकर उत्तर भारत में स्किन बैंक स्थापित किए जाने की घोषणा की है, ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अर्जुन पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है, अर्जुन पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों, स्मृति मंदाना और रोहन बोपन्ना, ऑप्शन डी ए और सी दोनों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए जन जागृति अभियान शुरू किया गया, तो जन जागृति अभियान शुरू किया गया दिल्ली में, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 6ठे भारतीय कौन बने हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ये 6ठे थे, 5वें बने थे राहुल द्रविड़, तो दोनों चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO द्वारा हाल ही में किस देश में इबोला वायरस से ग्रसित होने पर अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कांगो। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष नेल्सन मंडेला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, नेल्सन मंडेला दिवस प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल द अनटोल्ड स्टोरी इज फ्रॉम द वार पुस्तक की लेखिका कौन है, तो कारगिल द अनटोल्ड स्टोरी इज फ्रॉम द वार पुस्तक की लेखिका है रचना विस्ट रावत, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ द्वारा खेल में उनके असाधारण योगदान के लिए वेटरन पिन मनोनीत किया गया, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पीटी उषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शीला दीक्षित का निधन हो गया, वह कितनी बार दिल्ली की सीएम रह चुकी थी, शीला दीक्षित दिल्ली की सीएम 3 बार रह चुकी थी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द म्यूजिक एकेडमी ने किसे प्रतिष्ठित संगीत कला निधि 2019 सम्मान के लिए चयनित किया है, संगीत कला निधि 2019 का सम्मान एस सौम्या को मिला है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ के लिए आरक्षित घोषित करने का निर्णय लिया है, रातापानी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में पड़ता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में भारत के पहले अत्याधुनिक स्पेस सिस्टम्स पार्क की स्थापना करने का निर्णय लिया है, स्पेस सिस्टम्स पार्क की स्थापना करने का निर्णय केरल सरकार ने लिया है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पत्रकार का नाम क्या है जिसे प्रतिष्ठित हिंदी रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया, हिंदी रत्न पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया, राय बहादुर राय, ऑप्शन राम बहादुर राय, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के भू समकालिक उपग्रह प्रक्षेपणयान खालिस्तान ने 3840 किलोग्राम भार वाले चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की एक कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया, राइट आंसर होगा ऑप्शन GSLV MK3 M1, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चंद्रयान 2 को लॉन्चिंग इसी के द्वारा किया गया था, जिसे बाहुबली भी कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत के किस संस्थान के छात्रों ने कृषि संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए स्मार्ट एग्रीकॉप्टर बनाया है, स्मार्ट एग्रीकॉप्टर बनाया गया IIT मद्रास, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हैप्पीनेस उत्सव मनाया गया, हैप्पीनेस उत्सव मनाया गया दिल्ली में, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 2018 में हैप्पीनेस पाठ्यक्रम भी स्टार्ट किया गया था दिल्ली के सरकार के द्वारा, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई भारत की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम क्या है, बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम है भाभा कवच, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ब्रिटेन की में भारतीय मूल की पहली गृह मंत्री बनी है, तो ब्रिटेन में भारतीय मूल की पहली गृह मंत्री बनी है प्रीति पटेल, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति शोधकर्ताओं ने किस राज्य में एक रक्त स्रावित वृक्ष की प्रजाति ड्रैकेना कैम्बोडियाना की खोज की है? ड्रैकेना कैम्बोडियाना की खोज असम में की गई है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में बीएसएफ का नया महानिदेशक चयनित किया गया? तो बीएसएफ का नया महानिदेशक चयनित किया गया वीके जौहरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, विवेक कुमार जौहरी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में साहब 3 नामक ब्लास्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? साहब 3 नामक ब्लास्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ऑप्शन ए ईरान में, ठीक है। पाकिस्तान ने गजनवी को हाल ही में लॉन्च किया था, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश द्वारा अपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना को सौंपे गए हैं? अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका से खरीदा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चिनूक हेलीकॉप्टर भी अमेरिका से ही खरीदे जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, 2 अगस्त 2019 को पाकिस्तान ने विभाजन के 72 वर्षों के बाद सिख श्रद्धालुओं के लिए गुरुद्वारा चोआ साहिब खोला है, यह किस जिले में स्थित है? गुरुद्वारा चोआ साहिब झेलम पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय पत्रकार को वर्ष 2019 के लिए रमन मैक्सेस अवार्ड के लिए चयनित किया गया? रमन मैक्सेस अवार्ड 2019 दिया गया है रवीश कुमार, एनडीटीवी के रिपोर्टर हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन जनवरी 2020 में किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, गुवाहाटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन है, हाल ही में घोषणा के अनुसार किस क्रिकेटर को भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भारत गौरव पुरस्कार मिला है कपिल देव को। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने बालिकाओं के कल्याण के लिए वाहिरी डिक्री योजना शुरू की है? वाहिरी डिक्री योजना स्टार्ट की गई गुजरात के सरकार के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हाल ही में गिनी के सर्वोच्च सम्मान नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में सेव ग्रीन स्टे क्लीन जागरूकता अभियान स्टार्ट किया है? तो सेव ग्रीन स्टे क्लीन जागरूकता अभियान स्टार्ट किया गया पश्चिम बंगाल के द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत मानक ब्यूरो BIS ने कहां पर पश्मीना प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की घोषणा की है? राइट आंसर होगा ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा किस स्थान से QRSAM क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? ऑप्शन सी चांदीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग के विरुद्ध विधेयक पारित किया है? ऑप्शन बी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे मेलबोर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव के पुरस्कार कार्यक्रम के दौरान एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, शाहरुख खान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना शुरू की है? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, हरियाणा। नेक्स्ट है, किस राज्य के चमोली जिले के मांडा गांव को हेरिटेज विलेज बनाने की मंजूरी दे दी गई है? तो चमोली जिला कहाँ पे? उत्तराखंड। उत्तराखंड के मांडा गांव को हेरिटेज विलेज बनाने की मंजूरी मिली है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में वृक्षारोपण महाकुंभ अभियान शुरू किया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के किस कंपनी ने हाल ही में अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम हारमोनी OS लॉन्च किया है? ऑप्शन सी हुआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग नामक पुस्तक की लॉन्चिंग किसके द्वारा की गई? लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग नामक पुस्तक की लॉन्चिंग की गई अमित शाह के द्वारा, और ये पुस्तक जो है हमारे उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू जी के 2 साल के कार्यकाल पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजिन सारा झील को दुनिया के सबसे ऊंची झील होने का गौरव प्राप्त हुआ, यह किस देश में स्थित है? काजिन सारा झील नेपाल में पड़ता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज की गई विरासत ए खालसा संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस जिन्होंने हाल ही में फिजी के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ ली है? नेक्स्ट राइट आंसर होगा, मदन वी लोकुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चंद्रिमा शाह को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी में पहली महिला अध्यक्ष चुना गया, इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, अजय कुमार सूद का स्थान ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने जैव ईंधन नियम 2019 जारी किया? राइट आंसर होगा राजस्थान। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में गोगा बिल को किस राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया? तो गोगा बिल बिहार के कटिहार जिले में पड़ता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है, हाल ही में जोसेफ लुइस ब्राउन का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित है? जोसेफ लुइस ब्राउन ऑप्शन सी करेक्ट होगा, फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र जम्मू कश्मीर तथा नॉर्थ ईस्ट में कुरास को तैनात किया गया, इसमें आर का क्या अर्थ है? कुरास में आर का मतलब है रेलवे, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने किस जिले को विभाजन कर गौरेला पेटरा मारवाही जिला बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, छत्तीसगढ़ के गौरेला पेटरा मारवाही जिला को तोड़ करके, सॉरी बिलासपुर जिले को तोड़ करके गौरेला पेटरा मारवाही नया जिला बनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकारी स्कूलों में 2020 से देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ऑपरेशन नंबर प्लेट अभियान शुरू किया है? ऑपरेशन नंबर प्लेट अभियान शुरू किया गया RPF के द्वारा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। हाल ही में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का नया नाम चेंज कर दिया गया, जो कि मैंने आपको जनवरी के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स में बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार, ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है? गर्ल श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार पुस्तक के लेखक है, ऑप्शन डी सत्यार्थ नायक। कृष्णा त्रिलोकी जो है ये AR रहमान की पुस्तक लिखी गई थी, ए नोट्स ऑफ ए ड्रीम, उन्होंने लिखी थी, कृष्णा त्रिलोकी ने। ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने इसरो के चेयरमैन के सिवान को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार दिया जाता है तमिलनाडु के सरकार के द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा पलानी पंचामृतम प्रसाद को GI टैग प्रदान किया गया? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आदि महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुआ? आदि महोत्सव शुरुआत हुआ लेह लद्दाख, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू के द्वारा किस राज्य में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना शुरू किया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए झारखंड, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना झारखंड में शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल फग डाबा योजना शुरू किया है? राइट आंसर होगा मणिपुर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वर्ष 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है? 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, ऑप्शन डी ए और सी दोनों, बजरंग पुनिया और दीपा मलिक दोनों लोगों को मिला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन की एंकर और नारी शक्ति पुरस्कार विजेता का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नीलम शर्मा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस राज्य सरकार द्वारा विलेज वॉलंटियर सिस्टम योजना शुरू किया गया? विलेज वॉलंटियर सिस्टम स्टार्ट किया गया आंध्र प्रदेश के द्वारा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की तिरूर सुपारी को GI टैग मिला है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में रुपे कार्ड लॉन्च किया गया? रुपे कार्ड लॉन्च किया गया ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, भूटान। सबसे पहले रुपे कार्ड श्रीलंका में लॉन्च किया गया था, सेकेंड भूटान में, और थर्ड जो है वो UAE में लॉन्च किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नरेंद्र मोदी को किस देश ने ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया गया UAE के द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भूमिगत बंकर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? भूमिगत बंकर संग्रहालय का उद्घाटन मुंबई में किया गया, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45वां G7 शिखर सम्मेलन बियारिट्ज शहर में आयोजित किया जा रहा है, यह किस देश में स्थित है? तो 45वां G7 शिखर सम्मेलन जो हुआ वो बियारिट्ज शहर में हुआ, फ्रांस के, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सरबत सेहत बीमा योजना शुरू की है? तो सरबत सेहत बीमा योजना स्टार्ट करी गई है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, पंजाब में। अगला प्रश्न है, लेमेरू हाथी अभयारण्य हाल ही में किस राज्य में बनाने की घोषणा की गई है? लेमेरू हाथी अभयारण्य हाल ही में छत्तीसगढ़ में बनाने की घोषणा की गई है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपने पहले ह्यूमेनॉइड रोबोट फिडोर को अंतरिक्ष में भेजा है? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर 373 नामक मिसाइल रक्षा प्रणाली का अनावरण किस देश ने किया है? बाबर 373 नामक एक रक्षा प्रणाली मिसाइल है, इसको किस देश ने लॉन्च किया? ऑप्शन सी ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम के नए बल्लेबाजी कोच किसे बनाया गया? विक्रम राठौड़, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मीता नारायण को हाल ही में पुष्किन मेडल से किसके द्वारा सम्मानित किया गया? तो पुष्किन मेडल से सम्मानित किया गया रूस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पूर्व का पहला देश जहां भारत ने रुपे कार्ड इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को शुरू किया है। तो मैंने आपको बताया रुपे कार्ड तीन जगह पे लॉन्च किया गया, पहला सिंगापुर, दूसरा भूटान, और थर्ड जो था वो मध्य पूर्व का पहला खाड़ी देश है जो कि ये संयुक्त अरब अमीरात यूएई है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस महिला खिलाड़ी ने पहली बार बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन सी होगी? इंडोनेशिया की नई राजधानी का नाम होगा पूर्वी कालीमंतन जो कि बोर्नियो द्वीप पे पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने एटीएम निकासी के लिए भारत की पहली ओटीपी सुविधा शुरू की है? तो एटीएम निकासी के लिए भारत की पहली ओटीपी सुविधा स्टार्ट की गई है केनरा बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में स्थित डंपा बाघ अभयारण्य को क्लाउडेड लेपर्ड के अध्ययन स्थल के रूप में चुना गया? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईपीएस अधिकारी का तेंजिंग नारगे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार 2018 के लिए चयन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, अपर्णा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कलवी थोलिक चैती नामक विशेष शिक्षक एजुकेशनल टीवी चैनल है, ये टीवी चैनल शुरू की गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो गजनवी का सफलतापूर्वक परीक्षण पाकिस्तान ने किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली बैटरी चालित सिटी बस सेवा कहाँ शुरू की गई है? राइट आंसर होगा, गांधीनगर, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस 2019 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो राइट आंसर होगा, फिट इंडिया मूवमेंट। ऑप्शन डी राइट आंसर है, 29 अगस्त खेल दिवस के अवसर पर शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम बदलकर क्या रखा गया? तो नया नाम बदलकर के अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द किंग हमाद ऑफ द रेंसेस से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर होगा, बहरीन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री के लेखक कौन है? ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक है पीटर बेकर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मोबाइल ऐप ने अमेरिका में तकनीकी पुरस्कार जीता है? तो मोबाइल ऐप का नाम है ऑप्शन सी मैत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है 29 अगस्त को, ठीक है, मेजर ध्यानचंद के जयंती के रूप में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र अकेडमिक लेमोनोसो लॉन्च किया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2019 में नेपाल और भारत के किन शहरों के बीच बस सेवा शुरू की गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काठमांडू से सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल में पड़ता है सिलीगुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के डिंडीगुल के ताले और कडांगो साड़ियों को जीआई टैग दिया गया? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्वोत्तर राज्य में जहां इलेक्ट्रॉनिक निगरानी परियोजना की स्थापना की जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक निगरानी परियोजना की स्टार्टिंग की जाएगी ये असम सरकार। अब ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाम्बे का निधन हो गया? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, जिम्बाब्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 के लिए राष्ट्रीय पोषण माह के लिए विषय क्या है? तो सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में चुना गया। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये इसका थीम क्या था, तो इसका थीम था पूरक आहार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस देश के अपाचे गार्जियन अटैक हेलीकॉप्टर्स को भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपक्षीय अभ्यास TSENTR 2019 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नुआखाई नामक उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो नुआखाई नामक उत्सव उड़ीसा में मनाया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा ATC टावर इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर बनाया गया, यह कहाँ स्थित है? ATC टावर यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर टावर जो है ये इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर बनाया गया जो कि दिल्ली में पड़ता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य में गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर की स्थापना की जाएगी? गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर की स्थापना की जाएगी महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क टू वर्क अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? वर्क टू वर्क अभियान शुरू किया गया है ऑप्शन नंबर बी मेघालय में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेलवे सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया? विद्युतीकृत रेलवे सुरंग का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली में वेटिकन द्वारा लैंप ऑफ पीस ऑफ सेंट फ्रांसिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में हाल ही में कांगो फीवर के मामले सामने आए? कांगो फीवर के मामले सामने आए हैं राजस्थान में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रतिष्ठित स्थान है जिसे स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थानों की रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वैष्णो देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलीप ट्रॉफी 2019 के विजेता कौन सी टीम है? दिलीप ट्रॉफी 2019 का विजेता रेड इंडिया रेड। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना में पहला मेगा फूड पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तेलंगाना में पहला मेगा फूड पार्क बनेगा लखमपल्ली जिले में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 सितंबर 2019 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का थीम क्या था, विषय क्या था? ऑप्शन बी साक्षरता और बहुभाषावाद। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियांका एंड्रेस्क्यू किस देश की खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में यूएस ओपन 2019 का खिताब जीता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कैनेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएस ओपन 2019 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है राफेल नडाल। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चंस मैंने ट्रिक से कराए थे, नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिएगा, मैं आपको बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्टेडियम में विराट कोहली पवेलियन स्टैंड बनाया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अरुण जेटली स्टेडियम। अरुण जेटली स्टेडियम जो है ये फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में डोरियन तूफान ने तबाही मचाई थी? हाल ही में डोरियन तूफान आया था बहामास। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए विजय कुमार चोपड़ा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को एवियन इन्फ्लुएंजा बीमारी से मुक्त घोषित किया गया, इसका वायरस कौन सा है? एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस होता है H5N1, जिसको हम लोग बर्ड्स फ्लू के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेक्साई नामक टाइफून किस देश में आया था? फेक्साई नामक टाइफून आया था जापान में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन भारत और किस देश के बीच शुरू की गई है? मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन भारत और ये नेपाल के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगीत निर्देशक को महाराष्ट्र सरकार के लता मंगेशकर अवार्ड के लिए चुना गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उषा खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से स्वच्छता ही सेवा 2019 नामक पहल का शुभारंभ किया है? स्वच्छता ही सेवा नरेंद्र मोदी द्वारा स्टार्ट किया गया, स्वच्छता ही सेवा 2019 नामक जो पहल है ये स्टार्ट किया गया मथुरा में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को गृह मंत्रालय द्वारा पद्म विभूषण के लिए नामित किया गया? पद्म विभूषण के लिए नामित किया गया ऑप्शन सी मैरी कॉम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MPATGM का मतलब क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैत्री 2019 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? मैत्री जो होता है वो भारत और थाईलैंड के बीच होता है, और जो मित्र होता है वो श्रीलंका के बीच होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो हाल ही में 29 अगस्त यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था फिट इंडिया मूवमेंट, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो शिल्पा अग्रवाल। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना लॉन्च किया? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, रांची से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने किस गायिका को उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए डॉटर ऑफ द नेशन के खिताब की देने की घोषणा की है? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, लता मंगेशकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल की पहली तस्वीर लेने वाले वैज्ञानिकों की टीम को किस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रेक थ्रू प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलीसाई सुंदरराजन को किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनाया गया है?
तो तमिलिसाई सुंदर राजन हाल ही में बनी है तेलंगाना की पहली महिला राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने इनोवेशन विजन अभियान के तहत जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया? जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया गया राजस्थान के द्वारा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना स्टार्ट की गई है उत्तराखंड, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा देश की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गया? तो देश की पहली जो विधानसभा पेपरलेस विधानसभा बना है झारखंड, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने किस राज्य में अदरक की दो नई प्रजाति की खोज की है? अदरक की दो नई प्रजाति नागालैंड में खोजी गई है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स एनुअल ग्लोबल गोल्ड कीपर अवार्ड से किसे सम्मानित करेंगे? तो ग्लोबल गोल्ड कीपर अवार्ड मिला है नरेंद्र मोदी जी को, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर होगा शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 को लॉन्च किया? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 1076 हम लोगों ने देखा था, 1076 जो हेल्पलाइन नंबर है ये यूपी के द्वारा है, और यहाँ पे आप याद रखिएगा कि 1100 जो है ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने तत्पर नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तत्पर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया दिल्ली सरकार के द्वारा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने लोटस टावर का अनावरण किया? लोटस टावर का अनावरण किया गया ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंजीनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया विनोद कुमार यादव, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटमैक्स 2019 यानी कि सिटमैक्स 19 किन देशों के बीच एक त्रिपक्षीय अभ्यास है? तो सिटमैक्स SIT का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, श्रीलंका इंडिया और थाईलैंड। ठीक है, श्रीलंका इंडिया और थाईलैंड, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 3rd से लेकर 8th कक्षा तक संस्कृत भाषा को अनिवार्य कर दिया है? तो संस्कृत भाषा को अनिवार्य किया गया ऑप्शन बी उत्तराखंड के सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर उत्तराखंड के सरकार के द्वारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का अगला वायुसेना अध्यक्ष चयनित किया गया? तो अगला वायुसेना अध्यक्ष कौन बने हैं, RKS भदौरिया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी ऑप्शन नंबर ए ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 सितंबर 2019 को भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण गठन मठ में किया गया या किस देश में स्थित है? जो गठन मठ है ये किस देश में स्थित है, तो ये मंगोलिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बांस दिवस यानी कि वर्ल्ड बम्बू डे के अवसर पर राष्ट्रीय बांस मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रीय बांस मेला का आयोजन झारखंड में किया गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दीक्षी जल विद्युत परियोजना जिसका हाल ही में लोकार्पण किया गया यह किस राज्य में स्थित है? दीक्षी जल विद्युत परियोजना स्थित है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु फिल्म यानी कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिसे भारत में ऑस्कर पुरस्कार 2019 के लिए नामित किया गया उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी मोती बाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, सोंडोलो नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो सोंडोलो नृत्य का संबंध ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, जम्मू कश्मीर से ये संबंध रखता है। अगला प्रश्न है, एमी अवार्ड्स 2019 में किसे आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मिला है? तो 2019 में और 2018 में दोनों में यही विजेता रहा बेस्ट आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज में, राइट आंसर गेम्स ऑफ थ्रोन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी शांति उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गांधी शांति उद्यान का उद्घाटन किया गया न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाली गोलकीपर ग्लोबल गोल्स अवार्ड में चेंज मेकर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? चेंज मेकर अवार्ड मिला है ऑप्शन नंबर सी पायल जांगड़ी।
पायल जांगड़ी जो है ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरुष खिलाड़ी को फीफा बेस्ट प्लेयर 2019 का खिताब मिला है? फीफा बेस्ट प्लेयर का खिताब मिला है लियोनल मेसी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, और इन्हें बैलन डी ओर पुरस्कार भी दिया गया 2019 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महिला खिलाड़ी को फीफा बेस्ट प्लेयर 2019 का खिताब दिया गया? महिला बात करते हैं, महिला खिलाड़ी, तो इसका राइट आंसर होगा मैगन रैपिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और हाँ फ्रेंड्स, बैलन डी ओर पुरस्कार महिला में पूछा गया है 2019 का, तो इन्हें मिला है मैगन रैपिनो को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने तपेदिक के उन्मूलन के लिए नई दिल्ली में खालिस्तान अभियान शुरू करेगी, इसका राइट आंसर ये होगा टीवी हारेगा देश जीतेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, टीवी हारेगा देश जीतेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष संपत्ति की सुरक्षा के लिए इसरो ने प्रोजेक्ट नेत्र शुरू किया है, नेत्र प्रतीकत्व करता है, यानी कि नेत्र का फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालाइजिंग, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि भारत और अमेरिका के बीच होने वाले पहले त्रिसेवा यानी कि ट्राई सर्विस सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? भारत और अमेरिका के बीच, राइट आंसर होगा टाइगर ट्रम्फ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स संचालन संस्था IAAF द्वारा वेटरन पिन से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा पीटी उषा, इस क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने ऊपर में डिस्कस किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन को किस वर्ष के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के ब्रांड मिनिस्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मध्य प्रदेश के ब्रांड मिनिस्टर बने गोविंदा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनी वीजा द्वारा 2 साल के लिए अपने ब्रांड मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया, यानी कि किसे नियुक्त किया गया वीजा का ब्रांड मिनिस्टर 2 साल के लिए? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैरीकॉम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों सेनाओं के संयुक्त रूप से पहला युद्ध अभ्यास स्मेलिंग फील्ड हाल ही में किस राज्य में पूरा किया गया? स्मेलिंग फील्ड जो है ये हाल ही में संपन्न हुआ गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किसे पराजित कर अंडर 18 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2019 का विजेता बना? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जाक सिराक का निधन हो गया? जाक सिराक का निधन हो गया, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस के ये पूर्व राष्ट्रपति थे, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने वायु प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए उत्सर्जन व्यापार योजना शुरू की है? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बतुकम्मा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? बतुकम्मा त्यौहार मनाया जाता है तेलंगाना में, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एक छोटे उपग्रह रमन सैट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, नासा ने लॉन्च किया रमन सैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड के लेखक कौन है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा संदीप शास्त्री। अगला प्रश्न है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किस देश में अपना पहला कार्यालय खोला है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला कार्यालय खोला है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने SS मल्लिकार्जुन राव को किस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा PNB, पंजाब नेशनल बैंक के रूप में SS मल्लिकार्जुन राव को चुना गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार किस रेलवे स्टेशन को देश का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जयपुर रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है, किस देश ने अब तक के सबसे शक्तिशाली मिसाइल DF-41 का अनावरण किया है? DF-41 लॉन्च किया गया फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी चीन के द्वारा, और ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड प्रदान किया गया? स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड मिला है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड द नीदरलैंड्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वेणु राजामौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में कचरे से बना भारत का सबसे बड़े चरखे का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस दक्षिणी अमेरिकी देश ने ओपेक की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है? ऑप्शन ए इक्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केट कोर्ट आरंभ किया गया? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ऊर्जा गिरी अभियान लॉन्च किया है? ऊर्जा गिरी अभियान लॉन्च किया गया उत्तराखंड के सरकार के द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुपोषण अभियान लॉन्च किया है? मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुपोषण अभियान छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि हाल ही में उड़ीसा के किस पार्क में एलिफेंट इंडोथेलियोट्रॉपिक हर्पिस वायरस के कारण 5 हाथियों की मृत्यु हो गई? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में हाल ही में भारत के सहयोग से मेट्रो का संचालन शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार ने पावर प्लांट्स के में कोयला आपूर्ति की मॉनिटरिंग के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? पावर प्लांट्स में कोयला आपूर्ति की मॉनिटरिंग करने के लिए प्रकाश नामक एक पोर्टल को लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह जो कि 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक मनाया गया का थीम क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चंद्रमा सितारों का द्वार, इसका थीम था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में प्लास्टिक से डीजल बनाने वाले पहले संयंत्र का गठन किया गया है? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मिनटमैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया? मिनटमैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण अमेरिका ने किया। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने गंगा आमंत्रण अभियान शुरू किया है? गंगा आमंत्रण अभियान शुरू किया गया जल शक्ति मंत्रालय। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वर्ष 2019 के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? 2019 के साहित्य नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हैंड के। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 2018 में किसे मिला था? 2018 में नहीं मिला था, लेकिन 2019 में ही 2018 के विजेता के रूप में घोषित किया गया ओल्गा टोकारजुक। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार किस देश के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को देने की घोषणा की गई है? अबी अहमद अली जो है ये इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, और इन्हें 2019 का शांति नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। किस देश ने हाल ही में पहली बार महिलाओं को सेना में शामिल होने की अनुमति दी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सऊदी अरब। नेक्स्ट है, विश्व कवि सम्मेलन 2019 किस शहर में आयोजित किया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 150 ईयर ऑफ सेलिब्रिटी द महात्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 150 ईयर ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा द साउथ अफ्रीकन लिगेसी पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फकीर हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा किस राज्य में वीर कुटुंब रैली का उद्घाटन या फिर आयोजन किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, हाल ही में साल्फोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आशा भोसले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया? इसका राइट आंसर है अलेक्सी लेवोनो। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, और ये रशिया के एक एस्ट्रोनॉट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मिल्खा सिंह, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल्खा सिंह को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने हाल ही में किस नाम से आयन मंडल का अध्ययन करने के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आइकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी को द डॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी असेल बाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य भर में लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए कौन सी राज्य सरकार कन्याश्री विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रही है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला गार्बेज कैफे खोला गया है? गार्बेज कैफे खोला गया छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने यात्रियों को अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सहयात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को किस देश के द्वारा द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोमोरोस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की ऊर्जा कंपनी टोटल ने अडानी गैस की 37.4% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, जो टोटल ये ऊर्जा कंपनी है फ्रांस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के अर्थशास्त्री को हाल ही में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभिजीत बैनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर की नई पुस्तक के लेखक कौन है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विल गेट्स। नेक्स्ट है, किस देश की विश्व प्रसिद्ध खोन रामलीला का पहला परीक्षण और प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया? जो ये खोन रामलीला है ये किस देश का है? तो थाईलैंड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा और इसका हाल ही में आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी 2019 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो 2019 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में भारत को स्थान मिला 102। 2018 की बात करें तो 2018 में भारत की रैंकिंग थी 103। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पहला राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान लेखक सम्मेलन 2019 कहाँ शुरू हुआ? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेनानी नासरी सुरंग जिसका नाम बदल करके एसपी मुखर्जी के नाम पर रखा गया किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पूर्वोत्तर राज्य सिरुई लीली महोत्सव की मेजबानी कर रहा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया? तो विधान परिषद समाप्त कर दिया गया जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल चिवांग रिनचेन सेतु का लोकार्पण हाल ही में किया गया, यह सेतु कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है लद्दाख में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक कृत्रिम पत्ती विकसित की है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपनी प्रमुख योजना कन्या सुमंगला योजना शुरू की है? तो कन्या सुमंगला योजना जो है ये उत्तर प्रदेश की योजना है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में खालिस्तान उपनगरीय रेलवे नेटवर्क में वन टच ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लॉन्च किया। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई उपनगरीय रेलवे स्टेशन। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, चौथे आयुर्वेद दिवस का आयोजन 25 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था द्वारा राजस्थान के किस जगह पे किया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जयपुर में किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2019-20 का विजय हजारे ट्रॉफी या फिर विजय हजारे चैंपियंस का विजेता कौन बना? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू चाइल्ड नॉर्म लागू करने वाला चौथा राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में तवांग महोत्सव संपन्न हुआ? तवांग महोत्सव मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में 15 वर्ष से पुराने सरकारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 के साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार किसने जीता? जेसीबी पुरस्कार माधुरी विजय ने जीता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शिक्षण संस्था ने भारत की पहली स्टैंडिंग व्हील चेयर बनाई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, आईआईटी मद्रास, और इसका नाम क्या रखा गया है? एराइज नाम रखा गया, ठीक है। इस व्हील चेयर का नाम है एराइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में सूडान के पहले उपग्रह को लॉन्च किया है, प्रक्षेपण किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चाइना। चाइना ने सूडान का पहला उपग्रह प्रक्षेपण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की किस उत्कृष्ट साहित्यकार को वर्ष 2019 के ब्यास सम्मान के लिए चुना गया? तो 2019 का ब्यास सम्मान मिला है नासिरा शर्मा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा वर्ष 2019 के अर्ली कैरियर रिसर्च ऑफ द ईयर अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर होगा नीरज शर्मा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के जाने माने लेखक आनंद को 27वीं एजुथाचन पुरस्कारम 2019 के लिए चुना गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल के आनंद जो हैं इनको 27वीं एजुथाचन पुरस्कारम 2019 का खिताब इनको मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अल्जाइमर रोग के निदान हेतु GV971 नामक एक घरेलू दवा विकसित की है? GV971 बनाई गई है अल्जाइमर रोग के लिए दवा चीन के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय खिलाड़ी जिसे वर्ल्ड ओलंपियंस एसोसिएशन ने हाल ही में ओली की सम्मानित उपाधि से सम्मानित किया है,
ओली की उपाधि मिला है मैरी कॉम को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने किसानों की आसानी के लिए फार्मिस्ट्रा नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो फार्मिस्ट्रा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया बजाज आलियांस जनरल इंश्योरेंस। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा नो मनी फॉर ट्रेडर सम्मेलन 2019 निम्न में से कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 2018 में ये लॉन्च इसका आयोजन किया गया था फ्रांस में और 2020 में किया जाएगा भारत में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या हाल ही में किसने दो आईटी पहलों आइस डैश और अतिथि का शुभारंभ किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में निकोला एडम्स का निधन हो गया, वह कौन थी? तो निकोला एडम्स जो थी वो एक मुक्केबाज थी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्लोबल एशियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? ग्लोबल एशियन अवार्ड मिला है कुमार मंगलम बिरला को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्ट्स ऑफ इंडिया पुस्तक का असमिया संस्करण किसने जारी किया है? कोर्ट्स ऑफ इंडिया पुस्तक का असमिया संस्करण जारी किया गया हमारे पूर्व जो जस्टिस थे रंजन गोगोई के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरकार ने हरियाणा के पानीपत में बायोमास इथेनॉल का संयंत्र लगाने के लिए किसको मंजूरी दी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के को दी है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TN सोसन जिनका हाल ही में निधन हो गया वह कौन थे? तो ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ऑप्शन क्या होगा, ए राइट आंसर होगा, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शिशु सुरक्षा ऐप लॉन्च की गई? शिशु सुरक्षा ऐप लॉन्च की गई असम के सरकार के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई गन्ना ऐप लॉन्च किया गया? ई गन्ना ऐप उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च की है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज का नाम पर मकड़ी का नाम रखा गया? तो राइट आंसर है सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर बी सॉरी ए राइट आंसर होगा, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्या है, किस देश के उपग्रह हायाबूसा 2 ने रायगू नामक क्षुद्र ग्रह से पृथ्वी पर लौटने की यात्रा शुरू कर दी है? तो हायाबूसा 2 जो है ये किस देश की है? तो ये राइट आंसर होगा जापान। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2020 का मुख्य अतिथि बनाया गया? तो गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि जो होंगे ब्राजील के राष्ट्रपति जायद बालसिनारो होंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नाडू नेडू योजना का शुभारंभ किया है? तो नाडू नेडू योजना का शुभारंभ आंध्र प्रदेश के सरकार ने किया है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये मिला है गुलाब कोठारी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 2019 में गुरु नानक देव जी अचीवर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया अवनीत सिद्धू को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, सर्वश्रेष्ठ इमर्जिंग ग्रीन टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड किस राज्य को मिला? तो सर्वश्रेष्ठ इमर्जिंग ग्रीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन अवार्ड अरुणाचल प्रदेश को मिला है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सत्ता से सत्ता पर मार करने वाली शाहीन फर्स्ट मिसाइल का परीक्षण किया है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में एक और बताया था, गजनवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 के लिए किसे चुना गया? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 मिला है डेविड एंटन बरो। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के उस न्यायमूर्ति का नाम बताइए जिन्होंने भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी शरद अरविंद बोबड़े। यहां से आपको दो क्वेश्चन याद रखना है कि ये कौन से मुख्य न्यायाधीश है, 47वें मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, रंजन गोगोई का इन्होंने स्थान ग्रहण किया, शरद अरविंद बोबड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफाइड से निपटने का नया टीका तैयार करने वाला पहला देश बन गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा खालिस्तान की ग्रीन और वाइट टी को भौगोलिक संकेत यानी कि GI उत्पादों के रूप में पंजीकृत किया गया? तो GI टैग मिला है पश्चिम बंगाल की सरकार की टी यानी कि चाय के बारे में बात की जाए तो दार्जिलिंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस देश के करांची युद्ध स्मारक का दौरा किया?
तो क्रांची युद्ध स्मारक कहाँ पे? तो ये सिंगापुर में, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरुणाचल प्रदेश ने हाल ही में लॉन्च किए गए पहले हिंदी समाचार पत्र का नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र का नाम है अरुण भूमि, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत ने निम्नलिखित में से किसे पेटा पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? तो पेटा पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया विराट कोहली को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, असम सरकार ने राज्य के प्रत्येक दुल्हन को कितने ग्राम सोना उपहार देने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 10 ग्राम, ठीक है, अरुधंती योजना के तहत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष 2019 का अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार मिला है ग्रेटा थर्नबर्ग को, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को स्वास्थ्यप्रद भोजन विकल्प के प्रति जागरूक करने के लिए के उद्देश्य से कौन सा अभियान स्टार्ट किया? तो ईट राइट अभियान, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मेडिकल अनुसंधान परिषद द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया किरण मजुमदार शाह को भारतीय मेडिकल अनुसंधान परिषद के द्वारा। अगला प्रश्न है, 2018 के लिए बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो बिहारी पुरस्कार मिला है मनीषा कुलश्रेष्ठ, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, किस देश में मौजूद फ्लोटिंग स्कूल प्रोजेक्ट को हाल ही में आगा खा आर्किटेक्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य में मौजूद गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किया गया माँ गृधा काश्यप सी वर्धनम किसका आदर्श वाक्य है? माँ गृधा काश्यप सी वर्धनम जो है ये लोकपाल का नया आदर्श वाक मोटो बनाया गया, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए भारतीय निगरानी सैटेलाइट कार्टोसेट 3 को किस लॉन्च व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर है PSLV C-47 के द्वारा लॉन्च किया गया, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में ब्यूबोनिक प्लेग के कुछ मामले सामने आए हैं? तो ब्यूबोनिक प्लेग के कुछ मामले सामने आए थे जो चीन में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस राज्य में सांप की एक नई प्रजाति ट्रेकेशियम आप्टे की खोज की है? तो ट्रेकेशियम आप्टे की खोज की गई है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, किसे 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया? तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 मिला है ऑप्शन नंबर डी अकीतम, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, अकीतम अच्युतन नंबूदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मलयालम भाषा के लिए इनको मिला, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, उस राज्य का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में फाइलेरियासिस या फिर फलेरिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान स्टार्ट किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे मॉरिशस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो मॉरिशस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया पृथ्वीराज रूपन को, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है? तो मैंने आपको ऊपर में बताया था बैलन डी ओर पुरस्कार 2019 में किसे मिला है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लियोनल मेसी को। महिला में भी मिला है किसको, मैगन रेपिनो को। अगला प्रश्न है, पुस्तक अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ आवर एंसेक्टर्स एंड वेयर वी कम फ्रॉम के लेखक जिन्हें हाल ही में शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज दिया गया? तो राइट आंसर होगा टोनी जोसेफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सैयद मुश्ताक T20 टूर्नामेंट ट्रॉफी 2019 किसने जीता? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, तमिलनाडु को हराकर जीता है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2019 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 2019 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्या है, भारत के किस रेलवे स्टेशन को देश का प्रथम ईट राइट स्टेशन प्रमाणित किया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए मधु ऐप लॉन्च किया है? तो मधु ऐप लॉन्च किया गया उड़ीसा के सरकार के द्वारा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर हर साल 10 दिवसीय हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड में, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, नागालैंड। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मालदीव को भारत में निर्मित कौन सा तटरक्षक जहाज उपहार स्वरूप दिया गया? तो राइट आंसर है कामयाब, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है, देख सकते हैं आप यहाँ पे 316 के बाद डायरेक्ट 321 आ गया, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप दिसंबर के करंट अफेयर से पढ़ सकते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब निम्न में से किसने जीता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जोंजी बिनी टुंजी, और मिस वर्ल्ड बनी है टोनी एन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सना मारिन विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री किस देश की बनी है? तो सना मारिन जो है ये फिनलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण स्थल से किस देश के छात्रों द्वारा बनाया गया उपग्रह डैची फैट 3 लॉन्च किया गया? तो डैची फैट जो है ये इसराइल के छात्रों के द्वारा बनाया गया, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, टाइम पत्रिका ने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना है? तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना गया ग्रेटा थनबर्ग को, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, और ये स्वीडन से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में पपुआ न्यू गिनी से अलग होकर नया देश बनाया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, पपुआ न्यू गिनी से अलग होकर एक नया देश बनाया जिसका नाम है क्या, बोगनविले, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के स्टार फुटबॉलर सुनील छेत्री को कितने वर्ष हेतु प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं 3 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बैंगलोर में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, और ये जनवरी में किया गया, मैंने आपको जनवरी के वीकली करंट अफेयर्स में बताया था। नेक्स्ट क्या है कि उस भारतीय अभिनेता का नाम बताइए जिसे पेप्सिको ने भारत में अपने प्रमुख पेप्सी ब्रांड का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, सलमान खान को 3 वर्ष के लिए बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 138 स्मारकों को खालिस्तान स्मारकों के सूची में रूप में चिन्हित किया, तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, मस्ट सी स्मारकों के रूप में सूचित किया, चिन्हित किया। अगला प्रश्न है, दुनिया के शीर्ष स्तर के फुटबॉल क्लब ला लीगा जो कि स्पेन का फुटबॉल क्लब है, किसे भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। देख सकते हैं फुटबॉल क्लब होकर के इंडिया के एक क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम देश जिसके द्वारा हज यात्रा के संबंध में प्रक्रिया प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल बनाया गया, यानी कि हज यात्रा में जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी अब वो डिजिटल कर दिया गया, भारत ये विश्व का प्रथम ऐसा देश बना भारत जो कि पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार कोडिंग सॉफ्टवेयर तराकिया को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो तराकिया को अपनाने वाला बार कोडिंग सॉफ्टवेयर है, और ये राइट आंसर होगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो सॉफ्टवेयर है ये इंजीनियर अमित मिश्रा के द्वारा बनाया गया, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने कहाँ के कार्निवल ऑफ अलास्ट को विश्व विरासत सूची से हटा दिया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी बेल्जियम। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न देखिए क्या है, भारत का अगला सेना प्रमुख कौन किसे बनाया गया है? तो भारत का अगला जो सेना प्रमुख बने लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नारवाणे बन चुके हैं, ठीक है याद रखेंगे, और ये 28वें सेना प्रमुख बने। ठीक है फ्रेंड्स, जनरल बिपिन रावत जो थे इनको अब CDS बना दिया गया, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला प्रश्न ये है कि हाल ही में किस देश के एक विश्वविद्यालय ने 100 भाषाओं बोलने वाले और समझने वाले एक रॉबर्ट को तैयार किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ईरान। ईरान का जो तेहरान विश्वविद्यालय है इन्होंने एक रॉबर्ट को तैयार किया जो कि 100 भाषाओं को बोल सकता है, समझ सकता है, और साथ ही साथ उनका ट्रांसलेट भी कर सकता है, और इसका नाम क्या है, सुरेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइंड मास्टर नामक पुस्तक किस खिलाड़ी द्वारा लिखी गई है जिसका हाल ही में विमोचन किया गया? तो माइंड मास्टर पुस्तक जो लिखी गई है विश्वनाथन आनंद के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित पुस्तक एग्जाम वॉरियर के ब्रेल संस्करण का विमोचन किसने किया है? तो ब्रेल संस्करण का विमोचन किया गया श्री धावरचंद गहलोत के द्वारा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2019 के लिए हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता है? तो हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है नंदकिशोर आचार्य, इंग्लिश में बात करें तो शशि थरूर राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी में नंदकिशोर आचार्य। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा इलुसु बांध किस देश में बनाए जाने की घोषणा की गई है? इलुसु बांध जो है ये तुर्की में बनाए जाने की घोषणा की गई है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑरेंज उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ऑरेंज उत्सव का आयोजन किया गया मणिपुर में, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश ने गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज की स्थापना की है? गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज की स्थापना
की गई है पुर्तगाल के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फीफा ने किस टीम को अपना टीम ऑफ द ईयर चुना है। टीम ऑफ द ईयर चुना है बेल्जियम को, और ये लगातार दूसरी बार बेल्जियम सबसे टॉप पे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कितने पश्चिम अफ्रीकी देशों के आम मुद्रा को, जो उनकी नॉर्मल जो करेंसी थी उसका नाम बदल करके इको कर दिया गया। तो 8 जो अफ्रीकी देश थे, पश्चिमी अफ्रीकी देश थे, इनका नाम मुद्रा बदल के इको कर दिया गया। अगला प्रश्न है, पुस्तक आरएन काव जेंटलमैन स्पाई मास्टर किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये पुस्तक लिखी गई है नितिन गोखले के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, टर्बुलेंस एंड ट्रंप द मोदी ईयर्स पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, और इस पुस्तक को लिखा किसने, तो राहुल अग्रवाल और भारती प्रधान ने लिखा है। इस नाम को भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन से रेलवे स्टेशन में ऑक्सीजन पार्लर की शुरुआत की गई है। ऑक्सीजन पार्लर की शुरुआत की गई है नासिक रेलवे स्टेशन पे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस पूर्व प्रधानमंत्री की 95वीं जयंती पर लखनऊ के लोकभवन में उनकी 25 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंदन राय ने कहाँ एक अत्याधुनिक डीएनए विश्लेषण केंद्र का उद्घाटन किया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न यह है कि देश की पहली किन्नर ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में 2019 का यूनिसेफ पुरस्कार किस जिले ने जीता है। तो 2019 का यूनिसेफ पुरस्कार जीता है कामारेड्डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, तेलंगाना का ये जिला है कामारेड्डी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको 350 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कंप्लीट कराया जुलाई से लेकर 2019 दिसंबर तक। पिछले 6 महीने के इतने सारे अगर आप करंट अफेयर्स को याद करते हो तो फ्रेंड डेफिनेटली इससे बाहर आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। अगर आपने अभी तक कोई भी करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है और आपको प्रॉब्लम थी कि यार कहाँ से करंट अफेयर्स पढ़े, तो ये वीडियो आपके लिए ही थी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको वीकली करंट अफेयर्स भी कराता हूँ, मंथली करंट अफेयर्स भी कराता हूँ, और साथ ही साथ 3 मंथ 6 मंथ की करंट अफेयर्स भी साथ ही साथ देता रहता हूँ। और सभी का पीडीएफ आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, और आप चाहो तो सारे क्वेश्चंस को आप वीकली करंट अफेयर्स या फिर मंथली करंट अफेयर्स में देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।